और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान देर रात करीब 1:15 बजे मुठभेड़ फिर शुरू हो गई। आपको एनकाउंटर साउथ से संवाददाता राही कपूर की ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कल रात 1 बजे एक बार फिर से राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है, जो मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस समय ग्राउंड जीरो पर है और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है उसी हम इलाके में हैं और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है एक बार फिर से सेना की जो है वो शुरू हो चुकी है। ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये मेरे पीछे का जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, इसी फॉरेस्ट में जो है आतंकी छिपे हुए हैं कल से, और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए हुए थे। हालांकि कल 5 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जो है लगातार आतंकियों की धरपकड़ जो है वो की जा रही थी, लेकिन रात को एक बार फिर से संपर्क होने के बाद तीनों आतंकी जो है वो घेरे गए हैं और लगातार ये फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे हैं कि आतंकियों के साथ जो शुरू हो गई है। ये यही वो जंगल है, इसी जंगल के इलाके में जो है, इसी जंगल के बीच में किसी हाइड आउट के बीच छिपे हुए थे आतंकवादी, और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, और यहाँ पर लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन त्रिनेत्र नाम दिया गया है, और जल्द ही इस ऑपरेशन के जरिए जो है उन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जबकि कल सेना के 5 जवान इस ऑपरेशन में जो है वो शहीद हुए थे, और लगातार रात से जो है वो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है, और यही वो जंगल है, यही वो जंगल का इलाका है जहां पर आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं। राही कपूर, इंडिया टीवी, कंडी, राजौरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।